राधा कृष्ण किचन। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप भी जरूर लाइक में। यदि आपके पास बहुत ज्यादा डेयरिंग हो तभी करना, नहीं तो रहने देना। लेकिन जिसमें ये हो जरूर करें, क्योंकि इसमें इतनी मतलब ये दिमाग ही ना पूरा ब्लैंक हो जाता है, बस हम अपने आप में ही खुश हो जाते हैं। शुरू में तो बहुत डर लगता है लेकिन बाद में बहुत मजा आता है। तो आज आप मेरे साथ देखो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने क्या क्या किया। लेकिन मेरी हंसी आज थम भी नहीं रही है, इतनी हंसी आ रही है कि पूछो ही मत बिल्कुल भी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर आज हमारे यहाँ पे क्या बुलाया था, कृष्णा ने भी कमल की सवारी की थी, बच्चे ने भी की थी, तो सब बोला कि जयश्री तुम भी एक बार ट्राई कर ही लो। तो मैंने ट्राई किया लेकिन इसको कमल को नीचे बैठाने में बहुत नहीं होती, क्योंकि वो लंबा जो होता है। अब आप और मैं बच गई। शाम होने का टाइम हो गया था, सूरज भी देखो निकल के आ रहा है, और फिर एक बाहर से मैं ऊपर चढ़ गई। लेकिन इतनी डर गई थी कि कुछ देर में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ऐसे ही बैठ गई, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि मैं ऊपर चढ़ी, मेरी याद आ मतलब दिमाग में घूम रहा था। अब मैं चढ़ तो गई लेकिन मैं नीचे कैसे जाऊँगी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं रिलैक्स हुई, मैं सब भूल गई फिर मेरे साथ क्या हुआ। वो ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हुई थी, यदि मैं वहाँ से गिर जाती तो डेफिनेटली मेरी हड्डी अब कहीं से ना कहीं टूट ही जाती। फिर ये बहुत लंबाई में ऊंचा था, आपको वीडियो में छोटा सा नज़र आ रहा है लेकिन ये सामने से देखो तो ये बहुत ऊँचा है। और पता नहीं इसके ऊपर ये रेगिस्तान में कैसे इसकी फास्ट सवारी करते होंगे, कैसी राइडिंग करते होंगे, कैमल राइडिंग बहुत खतरनाक है। और ये चलता भी है तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और ऐसे लगता है एक साइड में इधर से गिरने वाली हो, दूसरी साइड इधर से। पता नहीं हमारे बच्चे बचपन से चढ़ घूमते आ रहे इस पर, अब भी मुझे पता चला कि इस पर बैठना मतलब क्या होता है, और ऐसे लगता है हम दूसरे माले में चढ़ गए, हो गई हवा में, पता नहीं कब गिरेंगे यहाँ से। और कुछ देर के बाद मेरा वो डर था वो सारा ख़त्म हो चुका। फिर मुझे बहुत मज़ा आने लगा जब वो कैमल इधर से उधर ऐसे लटका के मटका के चल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी सेफ्टी के लिए तो वे दोनों भाई मेरे साथ ही थे, वो बोले कि दीदी आप बिल्कुल भी डरना नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे। लेकिन मैं उन दोनों को भी भूल गई, मैं सोच रही थी कि बस एक कैमल और मैं, बाकी पूरी दुनिया में भूल गई। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे जब मैं बैठी थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बैठी क्यों इस पर, मुझे बैठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं गिरने वाली थी, अभी नीचे भी तो उतरना है, कैसे उतरूंगी नीचे, ये सब दिमाग में आ रहा था। और मैं कान्हा जी से प्रेयर कर रही थी कि मेरे सही सलामत मुझे प्लीज़ नीचे उतर देना, सब सही से हो जाए। लेकिन कुछ ही देर में मैं रिलैक्स हो गई और फिर मुझे बहुत मज़ा आने लगा, और मैं इधर से उधर बस घूमने को मन कर रहा था। और मैंने बोला उस भैया को कि आप ना वो रस्सी मेरे हाथ में दे दो और आप चले जाओ दोनों, मैं खुद भगाऊंगी इसको बहुत ज़ोरों से जैसे फिल्मों में भगाते हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं दीदी ऐसे ही चलो इस बार, नेक्स्ट टाइम जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप वैसे करना जैसे आप करना चाहते हो, पहले इससे दोस्ती भी कर लो। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं और ये इतना ऊँचाइयों पर होता है ना तो ऐसा लगता है हम जैसे आसमान में उड़ रहे हैं, और बहुत सुंदर लगता है सब। अरे फिर मुझे लगा कि ये इतना अच्छा चल रहा है तो फिर मैं कृष्णा को भी साथ में ले लूं। और फिर कृष्णा और मैं निकल पड़े दोनों, और दोनों भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम माँ बेटी। और कृष्णा मेरे साथ बैठने के लिए झट से तैयार होगा, क्योंकि ये 8 दिन में एक दो बार इसके ऊपर चक्कर हमेशा मारता है अपने दोस्तों के साथ। पूरे फौज बैठती है उनकी, 4-5
बैठ जाते हैं आराम से। और आज हम ये ग्राउंड पे आ गए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा सा घूम रहे थे, क्योंकि ये ग्राउंड पे हम मॉर्निंग वॉक में आते हैं, लेकिन हम सब सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे बहुत अच्छा भी लग रहा था, सब अच्छे से हो रहा था, मैं भूल गई बाद में। और कृष्णा को साथ में लेने के बाद तो मुझे बहुत इंजॉय किया हम दोनों ने, और फिर ऐसा लग रहा था कि बस हम घूमते जाए। लेकिन जब इस पे बैठते हैं और नीचे उतरने के बाद हमारे पैर हमारे नहीं रहते, बहुत दर्द करने लगते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस होता है ना, गोल्ड मेमोरीज साथ में लेके हम नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरने का डर सताने लगा अभी, क्योंकि इसके बाद हमें अभी हमारा घूमना बहुत ज़्यादा हो गया था, टाइम भी बहुत हो गया था, तो फिर हमें उतरना था, तो डर लगने लगा कि अब मैं उतरूंगी कैसे। चढ़ तो गई मुश्किल से, लेकिन अभी उतरने के लिए भी बहुत परेशानी होने वाली, और ये सोच के मुझे डरने लगने लगा कि अब क्या होगा। फिर मैंने कान्हा जी का नाम लेना स्टार्ट कर दिया, और आगे देखो क्या क्या हुआ। फिर बहुत लोगों ने बोला कि आप बफेलो राइडिंग करो, अरे भाई बफेलो पर यम जी बैठते, यमराज जो मरे जिंदा लोगों को मार कर लेकर जाते हैं। मैं ऐसी थोड़ी ना हूँ, मैं तो आप सबके चेहरे पे स्माइल लाती हूँ, इसीलिए बफेलो राइडिंग मुझसे मत कराओ। और बहुत सारा इंजॉय करने के बाद अब वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे पहले से बहुत डर लग रहा था। देखो कैमल भी कैसे कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था अब मैं नीचे सही सलामत कैसे उतरूंगी। और फिर उन्होंने अच्छे से दे, और देखो प्रांजल के पापा उधर से कैसे देख रहे थे, और वो जब नीचे आ रहा था वो भी चिल्ला रहा था और मैं भी चिल्ला रही थी कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था आप कैसे उतरेंगे। और फिर जैसे मानो मैं ऊपर जब चढ़ी अच्छे से चलने लगी वो भी एक खुशी थी, और नीचे उतरी वो भी बहुत अच्छी खुशी थी, मैं तो उतर गई आप नीचे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। और आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।